तो साइट का टॉपिक जो है, साइट जिसका मतलब होता है सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ज्यादातर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि साइट की एब्रिविएशन क्या है, साइट स्टैंड फॉर व्हाट। सो आपको ये बहुत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये कि साइट की फुल फॉर्म क्या है, सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हमें एब्रिविएशन से पता चलता है कि जनरली इट इज समथिंग रिलेटेड विद द सेटेलाइट एंड समथिंग रिलेटेड विद द टेलीविजन, ठीक है, और कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं ऑलरेडी, इट इज क्लियर, ठीक है, कि सेटेलाइट, टेलीविजन और एक्सपेरिमेंट, ये तीन चीजें क्या था, हम इस जो है इस क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मूव करते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। 1976 में यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के बारे में आप जानते हैं जनरली सभी, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है जनरली आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर एंड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो 1976 में यूनेस्को ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था टेलीविजन को लेकर, ठीक है, टेलीविजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इंडिया के अंदर। द सक्सेस ऑफ सेटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट और साइट प्रूव दैट टेलीविजन ट्रांसमिशन वुड बी पॉसिबल एंड यूजफुल इन इंडिया, ठीक है। तो यूनेस्को ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया सेटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर, जिससे ये प्रूफ हो पाया कि टेलीविजन ट्रांसमिशन जो है इंडिया के अंदर पॉसिबल भी है और यूजफुल भी है, ठीक है। टू टू फाइंड द फिजिबिलिटी ऑफ टेलीविजन इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हमारी ये भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडियन बॉडी है। सो इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टुक हेल्प ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। किसका हेल्प लिया था, अमेरिका की, जो जैसे जिस तरीके से इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह अमेरिका का क्या है, नासा है। तो नासा का हेल्प लिया इंडिया, इंडिया ने, ठीक है, इंडियन के स्पेस का, ये दोनों लोगों ने मिलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों लोगों ने मिलकर जो इंडिया में जो टेलीविजन के जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जो कि सैटेलाइट का नाम था क्या, ATS-6। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, कब ये किया गया, फ्रॉम 1 अगस्त 1975 टू 31 जुलाई होगा, यहाँ पे जुलाई कर लीजिए, 31 जुलाई 1976। और नासा सैटेलाइट नेम्ड ATS-6 वाज सैंक्शन अबव इंडिया फॉर ईयर ऑफ रिक्वेस्ट, पूरे एक साल के लिए क्या हुआ, 1975, 1 अगस्त 1975 से लेकर 31 जुलाई 1976 तक जो है दोनों नासा और इसरो ने मिलकर ये ATS-6 सेटेलाइट को नाम दिया, सेटेलाइट का, जो सेटेलाइट के थ्रू हम टेलीविजन पे हम देख सकते थे, उस लाइट का नाम दिया ATS-6। और वो ATS-6 जो था जनरली उसमें नासा ने ही नाम रखा, ठीक है, तो वो जो है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था, जो इंडिया में एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे था। जनरली यूनाइटेड स्टेट्स भी चाहता था कि जो है एक्सपेरिमेंट हो, क्योंकि यूनेस्को में दबा दबा अमेरिका का ही है, तो डेफिनेटली जो है एक अलग से इन्वेस्टर्स आएंगे, टेलीविजन सक्सेसफुल होगा, पॉसिबल होगा इंडिया में सेटेलाइट कम्युनिकेशन, तो किसका ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा बाहर के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा बाहर, वहां के बाहर के चैनल्स आएंगे, तो फिर क्या होगा, एडवर्टीजमेंट, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट का स्कोप बनेगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये सारी चीजें एक तरीके से उनका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अप्रोच था, ठीक है, कैपिटलिस्ट अप्रोच था, इस वजह से उन्होंने ये सारी चीजों को जो है इसमें हेल्प से लेकर सारी चीजें किया था, ठीक है। सो मूव करते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। दिस एक्सपेरिमेंट वाज नॉट ओनली सक्सेस इन इंडिया बट वाज आल्सो अप्रिसिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रूव दैट इंडिया वाज क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इंडिया में तो बहुत बहुत ज्यादा ही सक्सेस हुआ, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, इंडिया को बहुत अप्रिसिएशन मिला, ठीक है, और ये चीजें लेकर एक प्रूफ हुआ कि टेलीविजन ट्रांसमिशन जो है इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है और यूजफुल है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में था ही, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी इसका अप्रिसिएशन मिला, ठीक है। अगर साइट्स की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, साइट के क्या ऑब्जेक्टिव था, तो साइट की जो ऑब्जेक्टिव था जनरली दो ऑब्जेक्टिव में इन्होंने बांटा है, एक है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स में बताया है, ठीक है। जनरल जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फर्स्ट टू स्टडी द पोटेंशियल ऑफ ए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन मास कम्युनिकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जैसे इंडिया इज डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सारे डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है,
वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ा जो है ऑब्जेक्टिव्स था, उसके पोटेंशियल को बढ़ाना, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, ठीक है, तो ये सारे पोटेंशियल्स को बढ़ाना एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। और टू इनकरेज नेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया बाय इनकरेजिंग इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, द सेम केसेस, ठीक है, कि जैसे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होता है, जितने टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना जो है कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है, और उसके साथ इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को इनकरेज करना, ठीक है, पूरा सोशल चीजों को भी बढ़ावा देना, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें क्या था, एक तरीके से हमारे नेशनल डेवलपमेंट था, नेशनल कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, इन सब चीजों को इनकरेज करना एक ऑब्जेक्टिव था। थर्ड चीज, टू ट्रेन द रूरल व्यूअर्स इन कम्युनल हार्मोनी, फैमिली प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, जब हम सेटेलाइट ट्रांसमिशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे रूरल को बेसिकली टारगेट किया गया था, वहाँ के अंदर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पे उस तरीके से पॉपुलेशन भी उतनी उस टाइम पे इंक्रीज हो रही थी, तो उस टाइम पे फैमिली प्लानिंग को भी जो है उसके बारे में जानकारी देना, अवेयर कराना, ठीक है, कम्युनल हार्मोनी को भी लेकर जो है वहाँ पे बताना, ये सारे मकसद था, ठीक है, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो तीन थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जनरली, पहला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या था, टू प्रमोट द जनरल एंड एडल्ट एजुकेशन थ्रू द सेटेलाइट टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, टू डेवलप इंडिविजुअल स्किल्स, इंप्रूव हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, टू गेन एक्सपीरियंस इन ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्ट इन इंडिया, ठीक है, तो जनरली तीन हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे, एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा देना सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, स्किल्स को लेकर, हेल्थ को लेकर, प्रॉपर हाइजीन को लेकर जो है पर इंडिविजुअल डेवलप करना, फिर उसके बाद सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर, जितने टेलीविजन प्रोग्राम्स बनाने के लिए सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की जरूरत होती है, वो सारी चीज़ का एक्सपीरियंस बढ़ाना, ताकि जो है वो लोग छोड़ कर जाएं तो हम उनकी सारी चीज़ों से सीख सके और काम कर सके कि टेलीविजन की सेटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होती है। और जनरली ये सक्सेसफुल भी रहा था, बढ़ा भी था, लोग एक एक ग्लू हो गए थे, एक टेलीविजन सेट पे छः छः दस दस लोग, हम लोग भी जो है उस टाइम पे एक सिनेमा के अगर चलती थी तो चार पांच लोग, दस लोग बैठ के एक टेलीविजन को देखते थे। जनरली ये चीज़ें, इम्पैक्ट तो पड़ा था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम एजुकेशनल प्रोग्राम्स वेयर बीम्ड थ्रू द सेटेलाइट इन इंडिया, ठीक है, पहला एजुकेशनल प्रोग्राम ही जो है सेटेलाइट गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरीके का प्रोग्राम, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम और या इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट किए गए थे पहली बार, ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि पहली बार एजुकेशनल प्रोग्राम्स को सेटेलाइट के थ्रू बीम किया गया था, ठीक है, प्रोग्राम्स वेयर शोन इन 2400 विलेज, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि कितने विलेज को जो है दिखाया गया था ये प्रोग्राम्स, द प्रोग्राम्स वेयर शोन इन 2400 विलेज इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द 6 इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। जनरली आप गौर से अगर ऑब्जर्व करें तो ये सारे स्टेट्स जो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये वो स्टेट्स है जहाँ पे कैपिटल्स की बात करें या फिर जहाँ पे डेवलप पूरी तरीके से डेवलपमेंट बाकी थी, उस वजह से जो है यहाँ पे टेलीविजन एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्हीं को जो है सर्वे के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया गया था, जिसमें 6 इंडियन स्टेट को कवर किया गया, उसमें से 20 डिस्ट्रिक्ट को और 2400 गाँवों को ये प्रोग्राम दिखाया गया था, ठीक है। द ट्रांसमिटेड प्रोग्राम्स वेयर ऑफ द मोस्टली ऑफ टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज की प्रोग्राम, ठीक है, एक ईटीवी एजुकेशनल टेलीविजन, दूसरा आईटीवी जिसको इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन, ठीक है, एजुकेशनल टेलीविजन एंड इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन, ये दो तरीके के टेलीविजन जो जनरली कैटेगरी में हमें ट्रांसमिटेड प्रोग्राम्स को बांटा गया था। द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम्स वॉज टू एजुकेट एंड रूरल मास, ठीक है, क्या पर्पस था इस प्रोग्राम का, कि रूरल मास को एजुकेट, ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना, ठीक है, प्रोग्राम के माध्यम से। थर्ड आपका है एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज ऑफ वेयर अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव, ठीक है, कौन लोग इसे बनाते थे, जो भी स्कूल्स और कॉलेज के जो भी स्टूडेंट थे वो सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स को जो है ये डिजाइन करते थे, ठीक है, अट्रैक्टिव और क्रिएटिव वे में।
Daily programs included educational, agriculture, family planning, health of duration of around 4 hours. जनरली 4 घंटे ऐसे प्रोग्राम डेली प्रोग्राम्स बनते थे जिसमें एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम होता था, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम होता था, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड प्रोग्राम होता था और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम भी होता था, जो 4 घंटे डेली प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट किए जाते थे. ठीक है, नेक्स्ट. ऑन हॉलीडेज इट वॉज यूज फॉर ट्रेनिंग टीचर्स. मोर देन 1 लाख प्राइमरी स्कूल टीचर्स वेयर बींग ट्रेन थ्रू दिस प्रोग्राम. ठीक है, लगभग लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है क्या है, 1 लाख प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेन किया जाता था इस प्रोग्राम्स के माध्यम से. और ये कौन सा दिन जो है प्रोग्राम के थ्रू ट्रेन किया जाता था, ये जनरली हॉलीडे के दिन, जो भी हॉलीडे होती थी उस हॉलीडे के दिन क्या होता है, सारे टीचर्स को ट्रेन किया जाता था. ठीक है, और इस प्रोग्राम के माध्यम से. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स वे आर बेसिकली मेंट फॉर इलिटरेट एल्डरली पीपल. ठीक है, और जो ITV थे, ठीक है, ये हमें ETV जो है एजुकेशन टेलीविजन की बात किया, ETV और ITV जो थे, ITV देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, ITV क्या है, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स वे आर बेसिकली मेंट फॉर इलिटरेट एल्डरली पीपल. जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स जनरली किसके लिए बनते थे, इलिटरेट पीपल के लिए बनता था और उनको उनके 2.5 आवर्स ड्यूरिंग इवनिंग. ठीक है, शाम को 2.5 घंटे जो है उनके लिए प्रोग्राम बनते थे. द प्रोग्राम्स वेयर रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन हाइजीन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स. सेम जो उनके लिए बनते थे, ठीक है, एजुकेशनल के लिए, सेम चीज इनके लिए भी, एग्रीकल्चर हाइजीन और एजुकेशन हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था. इस तरीके के ही प्रोग्राम जनरली बनते थे. दिस प्रोग्राम्स वेयर ट्रांसमिटेड इन 4 लैंग्वेज. ठीक है, 4 लैंग्वेज में ये जो है ये ब्रॉडकास्ट होता था. ठीक है, हिंदी, उड़िया, तेलुगु, कन्नाडा. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, हिंदी, उड़िया, तेलुगु, कन्नाडा के 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये सारे प्रोग्राम्स को ट्रांसमिट किया जाता था. ठीक है, सो इन एडिशन टू दिस हिंदी न्यूज बुलेटिन ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन वॉज बींग ट्रांसमिटेड इन 4 स्टेट्स. ठीक है, न्यूज बुलेटिन की बात करें, हिंदी न्यूज बुलेटिन भी होता था 30 मिनट का. ठीक है, 30 मिनट का न्यूज बुलेटिन भी होता था जो कि 4 स्टेट में ही सिर्फ ट्रांसमिट किया जाता था. ठीक है, विलेजेस फॉर 1 ईयर वेयर ग्लू टू टीवी सेट्स. अगर इम्पैक्ट अगर देखिए, यही एक ये क्या है, ये सारे इम्पैक्ट हैं, ये इम्पैक्ट की बात की गई है यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ साइट. विलेजेस ऑफ 1 ईयर वेयर ग्लू टू टीवी सेट, 1 साल के लिए, जो 1 साल के लिए था कितना, ठीक है, अगस्त 1975 टू जुलाई 1976. ठीक है, ये 1 साल के लिए, 1 साल के लिए क्या हुआ, ये सारे जितने गाँव के लोग थे वो सारे एक टीवी से चिपक गए. ठीक है, और उन्होंने ये देखा कि 1 subsequently सर्वे फाउंड दैट द प्रोग्राम्स ट्रांसमिटेड वेयर व्यूड बाय 200 to 60% इन एवरी टीवी सेट्स. ठीक है, लगभग लगभग हर एक टेलीविजन सेट के पास वो 200 से 600 लोग जो हैं वो प्रोग्राम्स को देखते थे. समझ सकते हैं कि एक तरीके से सिनेमा हॉल बनता था, एक टेलीविजन सेट है तो पूरे गाँव के लोग झुंड बनाकर उस प्रोग्राम को देखते थे. ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा जो है एक अचीवमेंट था, इम्पैक्ट था, टेलीविजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था. तो ये हमारा ओवरव्यू था साइट के बारे में. ठीक है, तो अगर किसी को अब डाउट है, किसी को, वो हमसे पूछ सकते हैं कि सैटेलाइट साइट को लेकर. तो आप साइट को अगर ओवरव्यू बात करें तो आपको बता दिया है लॉन्चिंग कब हुआ था, लॉन्चिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके एब्रिविएशन को लेकर ध्यान रखना. 2400 जो है गाँव थे, और क्या थे, टोटल 6 स्टेट थे. ठीक है, और 20 डिस्ट्रिक्ट्स थे. ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. इसका इम्पैक्ट आपको देखना है, क्या इम्पैक्ट पड़ा था. ठीक है, कौन कौन से इसके प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानना है, कौन कौन से इसके प्रोग्राम्स थे. ठीक है, 2 कैटेगरी में प्रोग्राम्स को डिवाइड किया गया था, ETV एजुकेशनल टेलीविजन और दूसरा ITV इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन प्रोग्राम्स. ठीक है, ये 2 प्रोग्राम्स के बारे में बात किया गया था. ठीक है, ये था हमारा कुल मिलाकर साइट के बारे में. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए. जनरली अब